कोरोना महामारी से बचने का एक उपाय सोशल डिस्टेंस ही है, जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन घोषित किया गया। स्वराज चैनल की पड़ताल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन ग्रामीण अंचलों में देखने को जो है वो मिला है। राजधानी से लगा गांव ऊपरवार, जहां पर मुख्य प्रवेश मार्ग को ही बंद कर दिया गया है, जिससे गाँव में बाहरी और अनजान लोगों का अंदर आना मना है। की मंशा देखी जा रही है कि इस तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है, तो इस बताना पड़ेगा। राजू भाई तारवानी, यहाँ ऊपरवार ग्राम का निवासी। देखिए, भारत देश में प्रधानमंत्री ने जैसे अपने पूरे भारत देश का कर्तव्य का पालन किया है, आदेश किया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी किए, और उसके बाद हम लोगों ने ग्राम पंचायत में ऊपरवारा में सरपंच पंच और सभी जनप्रतिनिधि गाँव बैठ करके ये तय किए है 25 तारीख से आज 14 अप्रैल तक रहेंगे। और आज भी हमारा दुकान जो सवेरे सब्जी का हो किराने का हो, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकान खुली रहती है, 12 के बाद में पूरा ऊपरवार दुकान सभी दुकान बंद कर दिया जाता है। सभी को अपने परिवार की स्वस्थ चाहिए, पुलिस की भी सुरक्षा अच्छी हो रही है। के मन में आ रही है कि ये आगे और लॉकडाउन बढ़ेगा, हमारा दैनिक दिनचर्या किस तरीके से रहेगी, तो इसे लेकर के आप एक गाँव के सरपंच है, तो आप लोगों को किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग घर के अंदर ही रहिए। हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक लोगों को समझा रहे हैं कि ये बीमारी एक ऐसा महामारी है कि गांव में अगर एक बार फैल जाएगा तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो लोग हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, पूरा पंच, सरपंच, उप सरपंच और जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण वासियों में एक सूझबूझ दिख रही है, एक जागरूकपन दिख रहा है। स्वराज एक्सप्रेस कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।